भवतु सव मंगलं भवतु सव मंगलं भवतु सव मंगलं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो। अपना समय लेकर अपनी आंखें खोलें। देखिए, मेरा सभी से निवेदन है, सब अपनी शेयरिंग करके जाएं। आधा घंटे में हम शेयरिंग को समाप्त करेंगे। 30-35 लोग हैं, एक मिनट से ज्यादा एक शेयरिंग में नहीं लगता अगर लोग क्विकली करेंगे। अपना नाम बताना है, आप क्या करते हो, कहां से हो और अभी प्रोग्राम से आपको क्या लाभ हो रहा है। तो छवि है, छवि आप आ जाइए, छवि से शुरू करते हैं। जय जी, मेरा नाम छवि है, बाय प्रोफेशन आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आवाज ठीक आ रही है छवि आपकी, एक मिनट दोबारा आप करिए और मैं बाकी लोगों को म्यूट कर देता हूँ। हाँ जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम छवि जैन है, मैं दिल्ली से हूँ एंड बाय प्रोफेशन आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और शतावश्यक का ये मेरा सेकंड मंथ चल रहा है, शतावश्यक से जुड़े हुए और एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। लाइक स्लीप क्वालिटी मेरी इंप्रूव हुई है, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस हुआ है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में मुझे इससे बहुत हेल्प मिली है और अब तक मेरा 4.5 kg वेट भी रिड्यूस हुआ है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड प्रोसेस टू बी फॉलोड, मतलब मेरे लिए इट्स अ वे ऑफ लाइफ। जब जब मैं इसे फॉलो नहीं करती हूँ तो मुझे उसका इम्पैक्ट भी दिख जाता है। जब मैं डेली में रेगुलर में अगर नहीं कर पाती हूँ तो उसका अपनी हेल्थ पे और डेली रूटीन पे मुझे इमीडिएट इफेक्ट भी दिखता है कि उतनी एनर्जी बॉडी में नहीं होती है जो ये सारा प्रोसेस करके होती है, कम खाकर और पूरा प्रोसेस फॉलो करके। फूड क्रेविंग्स काफी कम हो गई हैं, ऑलमोस्ट 50% हो गई हैं। तो मेरा ऑल इन ऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है शतावश्यक का, मतलब जो भी जुड़े वो इसे रेगुलरली करें, मुझे ऐसा खुद के एक्सपीरियंस से लगता है। थैंक यू सो मच। और फैमिली मेडिसिन फ्री हुई है कि नहीं हुई है? जी बिल्कुल हुई है, कि हम लोग अब वैसे पहले भी कम लेते थे लेकिन अभी जैसे ये होता है कि कभी भी हम इस तरह के प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो हमें लगता है कि जब हीलिंग क्राइसिस होंगे, एक्चुअली जब फीवर आएगा या कुछ भी ऐसा होगा तब हम क्या करेंगे विदाउट मेडिसिन, खासतौर पे बच्चों के साथ हम रिस्क नहीं ले सकते। तो पहले हम बच्चों को वो मेडिसिन और सब में डालते थे, लेकिन जैसे मेरी 4 साल की बेटी है, 2 बार हमारा एक्सपीरियंस टोटल खाना कम्प्लीटली बंद कर दिया, जैसा हमें जेजे ने इंस्ट्रक्ट किया बिल्कुल वैसा फॉलो किया कि उसने पूरा रेस्ट किया और मतलब वो विद इन अ डे ठीक हो गई, जो हमारा आज तक कभी ऐसा एक्सपीरियंस था नहीं। अदरवाइज हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता ही था, उसे मेडिसिन दिलानी पड़ती थी और इस सब में 10-15 दिन तक बच्चा मतलब उसका पूरा रूटीन खराब हो जाता था कि खाना पीना सब लाइफस्टाइल उसका हिल जाता था। लेकिन अब जब से हम शतावश्यक से जुड़े हैं हम बिल्कुल मेडिसिन पे नहीं जाते हैं, जैसे ही तबीयत खराब होने लगते हैं खुद की या बच्चों की हम खाना पीना छोड़ देते हैं। जैसे कल मेरे साथ यही हुआ कि मुझे पेट में दर्द हो रहा था, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन फिर मैंने 4-4:30 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाया। अब मैं बेटर फील कर रही हूँ और मुझे कोई भूख भी नहीं लगी हुई। तो ऐसे ही था कि विकास मेरे हस्बैंड, उनको फीवर आया था, तो जैसे जेजे ने इंस्ट्रक्ट किया था कि बिल्कुल खाना पीना उन्होंने बंद कर दिया था, तो विद इन अ डे उनका फीवर चला गया था
और ठीक है अभी थोड़ा गला खराब है, वो धीरे धीरे उनका बेटर हो रहा है, बट बिल्कुल मेडिसिन नहीं ली है। और कोई मन में ये भी नहीं है कि हो दवाई नहीं ली है तो कैसे ठीक होंगे, पता नहीं क्या होगा। बॉडी का अपना सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है, जिसपे जे जे बात करते हैं इस कोर्स में, आप सबको बताएंगे, जो नए हैं पुराने सब जानते ही हैं। तो बॉडी खुद को हील कर लेती है, जस्ट दैट हमें उसे वो एनवायरनमेंट देना होता है, और वो एनवायरनमेंट हम मतलब शटावश्यक में सीखते हैं कि वो कैसे दिया जाता है, जो जे जे सिखाएंगे। सो थैंक यू सो मच जे जे फॉर गिविंग अस अ मेडिसिन फ्री लाइफ एंड टेलिंग अस एक्चुअल वे ऑफ लिविंग विच इज शटावश्यक। थैंक यू। विकास कहाँ है? विकास है? विकास की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, हैं जस्ट उठे हैं। चलिए ठीक है, ठीक। चलिए निधि अग्रवाल, निधि आइए, निधि ने नाम डाला है अपना, आइए जल्दी जल्दी गुड आइए। मॉर्निंग एवरीवन, मैं गुड निधि मॉर्निंग। अग्रवाल, आई एम फ्रॉम इंदौर, आई एम अ हाउसवाइफ। और कल का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। कल इतने सूर्य नमस्कार सर के साथ लगाए, पहली बार इतने लगाए, पहले भी किए जरूर हैं, आते जरूर है, लेकिन इतने कभी नहीं लगाए। और आज कल से आज ज्यादा लगा पाई। शुरू में एक मंत्र में, सर इसमें कितने मंत्र हैं अड़तालीस, प्रॉपर? 48, 48 श्लोक है। 48 श्लोक से। ओके, मैं शुरू में तो एक मंत्र में दो लगा पा रही थी, पर जब बहुत ज्यादा आउट ऑफ ब्रीथ हो रहा था तब बीच में ब्रेक लिया। उसके बाद फिर एक मंत्र में एक स्लोली लगा रही थी, फिर उसके बाद काफी थकान होने लगी, तो उसके बाद स्टॉप किया। और आज का भी ये ऊर्जा योग भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। और किसने नाम डाला है अपना, आइए। रुचि, आप देख रहे हो नाम को, लिख रहे हो या नहीं? डॉक्टर आपको आवाज ही साहब नहीं आ रही, तो सर, कराइए। गुड हाँ मॉर्निंग एवरीवन, जी, स्वाति सर, डॉक्टर स्वाति गोविलकर मुंबई से बोल रही हूँ। आज हाँ का जी, ऊर्जा योग बहुत अच्छा लगा, और ये ध्यान योग तो बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा। मेडिसिन फ्री होने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी सर, अभी गौरी के साथ भी करूंगी। आज उसका मिस हो गया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज आज ऐसे लगता था कि जैसे रिकॉर्डिंग कर लिया होता तो बहुत अच्छा रहता था उसके लिए। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। अश्विनी जी, हाँ जी, अश्विनी जी, अश्विनी जी, अश्विनी जी, आर यू हियर? हाँ जी, आई बोली। नमस्कार, नमस्ते हाँ, थोड़ा जोर से बोली। सर, पहला मुलाकात है आपके साथ, दिन हो गया मिल बात करके। एक किलो वजन ऐसा कम हो रहा है धीरे धीरे। नहीं, आपकी आवाज, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। हेलो, सुन हाँ, रहे हैं? अब कुछ बेटर हुआ है? अभी तो 1 किलो तक तो मेरा वजन कम हो रहा है 2 दिन से, थोड़ा फीलिंग बेटर। कल से थोड़ा हेडेक था, नींद नहीं सही आया था, लेकिन आज पूरा लाइट वेट हो फीलिंग कर रही हूँ। मैंने आपके साथ साथ ही मैंने सूर्य नमस्कार किया, कर दिया, मैंने थोड़ा स्किप कर दिया, लेकिन 90 तक मैंने इसे आसन से कर दिया। अभी भी एनर्जी है मेरा, थोड़ा शोल्डर इधर तक पेन है, अभी तो पहला बार है ना, तो और कुछ को नहीं है, आराम से हूँ, फीलिंग बेटर नो। बहुत थैंक यू। बढ़िया, थोड़ी मसाज करा लीजिए आज, जिनको दर्द हो शोल्डर वगैरह में थोड़ा, तो किसी से मालिश करा लीजिए, कमर की, सर ऊपर, गर्दन की, बैक रब ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके यू आर वेलकम। हाँ जी रुचि, लिए। हेमा देवराज जी, हेमा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट वाज रियली फैंटास्टिक सेशन टुडे, इट वाज सो ब्लिसफुल एंड आवाज नहीं आ रही आपकी पूरी। एम आई ऑडिबल? हाँ जी, हाँ, अब ठीक है। नमस्ते जी, रियली ग्रेट प्रिविलेज टू हैव यू एज अवर गुरु टीचर टू ग्रूम अस, एंड टुडे आई एम फीलिंग सो लाइट। आई एम नॉट इवन हैविंग एन अर्ज टू हैव एनी थिंग, और सो ब्लिसफुल, सो हैप्पी एंड पीसफुल। थैंक यू जी। यू आर वेलकम। रोहिणी, हाँ जी, रोहिणी जी,
अब अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट करिए। हाँ जी, अपना परिचय दीजिए पहले, अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हुए, नहीं हुए। हाँ जी, अभी ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग, दिस इज रोहिणी कुमार फ्रॉम पुणे एंड आई एम थॉरली एंजॉयिंग दिस प्रोग्राम। आई एम वेरी हैप्पी विद सर, आपके बहुत क्लियर है इंस्ट्रक्शंस। द मोस्ट आज जो मुझे, कल मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, लेकिन आज सुबह जब मैं उठी तो आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ बर्निंग सेंसेशन इन माय स्टमक, लेकिन मैंने कुंजल किया, बहुत डर डर के किया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। आई रियली रियली एंजॉयड इट। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू डू इट टुमारो आल्सो। एंड द ऊर्जा योग टुडे वाज फैंटास्टिक। आई कुड सेंस एवरी सेल इन माय बॉडी वाज टिंगलिंग। सो आई गो ओनली बाय रिजल्ट्स एंड आई गेट बोर्ड वेरी इजिली, बट आई एम नॉट बोर्ड दिस टाइम एट ऑल। बोर नहीं होने देंगे आपको, रोज नए नए एवेन्यू से मुलाकात होगी, रोज नया दिन होगा, एकदम हर दिन नया होगा आपके लिए। अब सर मुझे पूछना था, ये ऊर्जा योग रोज माना सीक्वेंस जरा बताइएगा कि कैसे, सूर्य नमस्कार फिर ऊर्जा योग कैसे होगा? कल कंप्लीट कराएंगे, अभी इसके और भी चरण हैं, तो ये क्रम से कराएंगे और इसकी वीडियो भी हम डालेंगे और स्टेप भी आपको देंगे नोट्स में। हाँ जी, सो इज आल्सो वेरी नाइस, प्रेम रतन धन पायो। हाँ जी, हाँ जी, कल भी करेंगे इसके ऊपर अच्छे से। आज प्रैक्टिस कर लीजिए नृत्य करने की, इस पे कल अच्छे से करना और जम के, ठीक है? आज शाम को फैमिली टाइम में करिए इसको, परिवार के साथ सब मिलके। सर वो जो डांस था ना, तो आई रियली बिकेम बॉडीलेस। यूजुअली वी बिकम कॉन्शियस कि हमको कौन देख रहा है, आज एकदम अच्छा लग रहा है। यस, यही है पर्पज इसका, बहुत बढ़िया। अपने आशीष भाई भी देखो कैसे करते हैं, भी भूल जाते हैं मैं कौन हूँ कहाँ हूँ। चलिए आशीष जी, आप ही का नंबर है, लीजिए आ जाइए। नमस्ते सभी को। जो भी निधि ने एक बात बताई ना, मैं वो ही कर रहा हूँ। मैं सूर्य नमस्कार को थोड़ा फाइन ट्यूनिंग कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ सर के साथ मेरा फोर्थ कोर्स में रिपीट कर रहा हूँ, और मेरा एक ही लक्ष्य है कि उसको किस तरह से फाइन ट्यून करूँ और रूटीन लाइफ में सस्टेनेबल करूँ। मतलब मैं रोज, कभी कभी क्या होता है, हम कुछ चीज सीखते हैं मगर तभी बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे हर वक्त वो रहता था कि मैं सीख तो गया बट उसको मुझे निरंतर करना है। जो मुझे पता चल गया अभी। प्रॉब्लम क्या है कि जब तक हमें पता नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है, प्रॉब्लम चालू वहां होती है कि अभी पता चल गया क्या सही है, और पता होने के बाद मैं नहीं करता हूं तो मुझे और गिल्टीनेस में जाता है। तो मैं ए टाइम डिसाइड करके स्टार्ट किया हुआ है कि मुझे पूरा जो सही बात है उसको जीवन में उतारना है, जो सही है मुझे खाना है, जो गलत है मेरे लिए मुझे नहीं करना है। तो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और सूर्य नमस्कार का तो मुझे ऐसा मैंने किया है, मैक्सिमम स्माइल रखता हूँ तो दो फायदे हो रहे हैं, वो एंजॉय भी करता हूँ और आई फीलिंग आई एम कनेक्टिंग विद सन। सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो जो एक वन ऑफ द एनर्जी सोर्स, उससे पूरा जगत चल रहा है। मैंने अपनी थोड़ी बुद्धि लगा के किया है सर, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि उससे मुझे कनेक्ट होना है तो आई शुड बी कीप, जैसे कि अपने बेस्ट फ्रेंड को हम मिलते हैं तो चलो गप्पे लगा रहे, जैसे अभी हम फ्रेंडों के साथ मिलकर गप्पे लगाते हैं, तो बस उसके लिए मैं गप्पे लगाने वाला हूँ सूर्य भगवान से। तो थोड़ा स्माइल के साथ थोड़ा एंजॉय करते करते तो मुझे थकान नहीं लगती है। और मैं 72 कर रहा हूँ, पहले 24 श्लोक में दो करता हूँ एक श्लोक में, और बाद में धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा हूँ, ऐसा अभी मैं कर रहा हूँ। फिर धीरे 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 जिस तरह से बढ़ता है उस तरह से मैं बढ़ाऊंगा। बट सर बहुत ही अच्छा लग रहा है पूरा प्रोसेस, जब भी कंप्लीट होता है नॉर्मली। अभी तो सर अभी थोड़ा हमको सिखा रहे, जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम ए सीख रहे, बी सीख रहे, तो धीरे धीरे करते हैं, बट जब भी हम सीख जाएंगे पूरा 6 दिन के बाद, तो पूरी चीज को होने के लिए 40 से 45 मिनट लग रही है। मतलब हम जो प्रैक्टिस 30 से 40 मिनट उसमें पूरा हो जाता है, 12 से 13 मिनट का सूर्य नमस्कार ऊर्जा, तो पूरा का पूरा इजी हो जाता है।
आपको क्या लाभ हुआ, आपको अब तक क्या लाभ हुआ बताइए, बहुत संक्षेप में, एक दो तीन चार लाभ में। तो मैंने कुछ लाभ के लिए ज्वाइन नहीं किया था, बट 80 केजी से अभी 74 पे हूँ। थायराइड की गोली मेरी पूरी बंद कर दी है, मैंने पहले आधी ली 10 दिन के लिए, उसके बाद 2 अप्रैल से मैं अभी, आज हो रही है 28 क्या तारीख हुई आज, तो एक भी गोली नहीं ली उसके बाद 2 अप्रैल के बाद। और मुझे थोड़ा भी प्रॉब्लम, अदरवाइज मुझे गोली बंद करता तो चिड़चिड़ होती थी, वो थोड़ा भी नहीं हुआ। सेकंड बेनिफिट और थर्ड बेनिफिट, मेरी एनर्जी रहती है, मैंने थोड़ा अपने तरह से फाइन ट्यून किया, बिकॉज मैं जॉब करता हूँ तो मेरा ऑफिस का टाइम है 9 to 6 हो जाता है। तो सर ने जो विंडो बोली है वो विंडो मैंने मेरे लिए रखी है 2 से 8 की रखी हुई है, फ्रेंकली स्पीकिंग। और सर ने क्लेरिफाई कर देता हूँ सभी के लिए कि जो हम वेजिटेबल जूस क्यों कुछ भी पीते हैं, वो अपने वो जो ब्रेक है ना 18 घंटे का, उसको ब्रेक नहीं करता है। तो अभी मैंने अभी 8:30 बजे जब भी मैं आपके साथ बात करा तो उसके पहले मैंने वाटरमेलन का भी जूस पिया, और अभी साथ में मैं ले जाता हूँ तो 11:30-11 बजे थोड़ा सा हल्का सा मुझे भूख लगती है तो तभी मैं जूस ही पीता हूँ वेजिटेबल का, और 2 बजे मैं तकरीबन खाता हूँ मैं मेरा जो 2 से कभी 12 बजे से जूस नहीं लगेगा तो फ्रूट खा लिया, उस तरह से मैं कर रहा हूँ, तो मेरा मेंटेन हो रहा है। मुझे पहले डर था कि जॉब करते करते कैसे होगा, तो हो रहा है। थैंक यू सर। ओके वेलकम। हाँ जी नेक्स्ट दीप्ति जी। दीप्ति जी आइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैं दीप्ति बॉम्बे से हूँ। मैंने ये सारे प्रैक्टिसेस किए, मैं लास्ट 2 दिन से प्रॉम्प्टली 4 बजे उठ के बेड योगा कर रही हूँ। वैसे भी मैं रोज 5 बजे उठती थी, 4 बजे उठना भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, पर अभी यस आई कैन गेट अप बिफोर द अलार्म आई गेट अप। तो बेड योगा करके अच्छा लग रहा है। कल मैंने 4-5 ही सूर्य नमस्कार किए थे ऑन द मैट, बट एज आई हैव अ लिगामेंट टेयर इन माय नी, मैंने आज 6 सूर्य नमस्कार किए और आई थिंक आई डिड अप टू 30-35 सूर्य नमस्कार मैंने किए। आई स्टार्टेड स्वेटिंग आफ्टर दैट, देन आई स्टॉप्ड इन बिटवीन, देन वापस थोड़े किए, तो दैट वाज नाइस। लेकिन कल सर मुझे टैबलेट लेनी पड़ी मेरी बीपी की, क्योंकि मेरा बीपी 140-95 था रात को। ओके सुबह मैंने नहीं ली थी। देन अभी जो आपने सर के में लिया था उसमें आई वांट टू आस्क यू कि इन मेनी टाइम्स इन बिटवीन आई डोज्ड ऑफ, मुझे इन बिटवीन कुछ मिस भी हुआ होगा, एंड देन सिटिंग ऑन द चेयर मेरा नेक पेन होने लगा थोड़ा, तो व्हाट इज राइट, इफ यू कैन गाइड मी सर। हाँ देखिए, एक तो आपको बीपी की गोली की जरूरत थी शाम, अगर 140, 145 और 95 था आपका तो ये नॉर्मल है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे तभी दवाई छूटेगी। अगर आपको कोई सिम्टम है, सिम्टम तो कुछ नहीं था आपको हाई ब्लड प्रेशर का, तो फिर टेबलेट नहीं लेनी चाहिए थी आपको। देखो टेबलेट के प्रति लगाव जो है धीरे धीरे मोहब्बत कम करनी है। नहीं मोहब्बत नहीं सर, डर लगता है कि सब खाना भी चेंज किया है, फिर भी सब इकट्ठा एक साथ बंद करेंगे। कल मैंने रुचि से बात की थी, मेरा मुझे बहुत हेडेक हो रहा था, एंड आई विल नॉट, मैंने रुचि को बोला भी कि सोशल लाइफ बंद है, सब बंद है, तो थोड़ा एकदम गैप लगता है, भोग लगता है कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग। इसे देखो ये तो है ही, देखो ये तो पहले दिन ही हमने कहा कि ये डिफरेंट साइंस है और इसको थोड़ा सा समझ के करना है, अभी नहीं कर पा रहे तो अगले हफ्ते करना है, ठीक है ना। और नहीं तो अगर वो लगा लिया सर, तो देखिए अगर हम वही करते रहेंगे, अगर हम वही करते रहेंगे तो वही रिजल्ट आएंगे। उसके बाद मेरा सर उतर गया, जो चढ़ा हुआ सर था वो 15 मिनट बाद उतर गया। क्या करने से, दवाई लेने से? नहीं, मैंने एक यूट्यूब पे कुछ ऐसे ये लगाया था एंटरटेनिंग। क्या लगाया था? एंटरटेनिंग कुछ प्रोमो लगाया था। ओके ओके नहीं ठीक है ठीक है, नहीं तो कुंजल करेंगे। देखिए जब सिर में दर्द होगा तो भोजन को अवॉइड करेंगे और कुंजल करेंगे और कायस्टर करेंगे, इसको आप करके देखें हमेशा। दिस व्हाट आई जस्ट सेड ना, कायस्टर जब भी आपने लगाया ये आप मुझे बता रहे थे, तो इन बिटवीन आई वाज जस्ट डोजिंग ऑफ लाइक दिस, सो इज इट
ठीक है, वो हो सकता है आपकी बॉडी में अभी थकावट है, नींद की क्वालिटी जब बढ़िया हो जाएगी तब ये नहीं होगा। मैंने कुछ मिस भी किया बीच में, कोई बात नहीं, ये सब फिर बताएंगे, दोबारा फिर बताएंगे। हाँ जी स्वाति रुचि, और कौन? विवेक जी को बुलाते हैं। हाँ विवेक जी। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं कोची से बात कर रहा हूँ अभी। टुडे इज द थर्ड डे, आई एम थॉरली एंजॉयिंग द सेशन, एनर्जी लेवल हैज गॉन अप, माय सूर्य नमस्कार आई एम डूइंग विद लॉट ऑफ यू नो एफर्टलेसली, अर्लियर आई वाज डूइंग 11, नाउ आई एम डूइंग 51 टुडे। व्हाइल डूइंग कायोत सर टुडे आई डोज्ड ऑफ, लाइक दीप्ति जी वाज टेलिंग, आई ऑल्सो डोज्ड ऑफ इन बिटवीन एंड आई कुड नॉट कंट्रोल, बट आई एम फीलिंग वेरी गुड, थैंक यू। ओके वेलकम। कुमुद आ जाइए, कुमुद। सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा सर, सो दैट पार्ट वॉज नॉट एन इश्यू। कल आई हैड फीवर एंड हेडेक, तो आई डिड कुंजल टुडे, सो फीलिंग मच बेटर। क्वालिटी ऑफ स्लीप वॉज नॉट ऑल दैट ग्रेट, आई हैवन्ट बीन एबल टू स्लीप, आई डोंट नो वॉट द कॉज इज, बट आई एम डूइंग वॉट यू सजेस्टेड इन टर्म्स ऑफ डूइंग द ब्रीदिंग, राइट? You said even after 3 o'clock, even if you don't sleep, it's okay. You just do the breathing. So I'm doing that. But I don't know if I'm sleeping wrong because I end up with the body pain. तो आपको जो fever हुआ आपने medicine तो नहीं ली ना? नहीं sir, no. अच्छा fasting किया? Fasting कल की थी sir. कल पूरा फास्ट किया ना, पानी के अलावा कुछ नहीं लिया ना? नहीं सर, पानी सिर्फ पानी पिया। अच्छा अभी फीवर कितना है? फीवर नहीं है सर। ठीक है ना, तो आज आपको लिक्विड डाइट पे रहना है। तो देखो ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें हम आप मुझसे अलग से भी बात कर लीजिए, इसमें लापरवाही नहीं रखनी है। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखेंगे, रेस्ट करेंगे और घर के काम से भी छुट्टी ले लीजिए। कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए। लोगे या नहीं? हाँ सर, दे देंगे आपके हस्बैंड? मिल जाएगी छुट्टी आपको घर के काम से? हाँ सर। ओके ओके चलिए। संजना जी। संजना जी, संजना जैन किधर हैं? स्पॉटलाइट करिए संजना को। अच्छा और बताइए। शैलजा है नेक्स्ट। शैलजा आइए। नमस्ते जी। आज मैंने सुबह 4:20 उठी, कल भी 4:30 उठ के एक्सरसाइज पूरा कर दिया, आज एक्स्ट्रा कोल्ड वाटर पे बात किया और नहाया, सो आज एक्सरसाइज पूरा किया, अच्छा लग रहा है पूरा मुझे। अब क्या ये काय है सर, कब तक ना है वो डाउट है मुझे थोड़ा। पार्डन काय सर, वो एक्सरसाइज के पहले करना है, एक्सरसाइज का बाद करना है? काय सर तो कभी भी कर सकते हो, एक्सरसाइज के बाद करें तो अच्छा है। मॉर्निंग में करना है? बाद में आफ्टर दैट, आफ्टर एक्सरसाइजेस। नहीं सुबह ही बिफोर 6 o'clock करने हैं वो, नहीं तो दिन में कभी भी कर सकते हैं। दिन में खाने के बाद आधा घंटा आफ्टर द फूड। ओके ओके। हाँ चार्ट डालना है? हाँ जी थोड़ा सा। हाँ चार्ट डाला है, आप पूछ लीजिए जो भी चाहिए, आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और साल्ट का? ओके। अरे नहीं साल्ट डालना है आपको, साल्ट। हाँ हाँ साल डालना है, कितना डालना है? नहीं डालें तो अच्छा है, 6 दिन के बाद डालिए। ओके ओके, 6 दिन के बाद तो थोड़ा सा पिंच डालना है। हाँ यस यस। ओके बहुत अच्छा लगा मुझे, फ्री फील कर रही हूँ, थोड़ा खुश भी हूँ मैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आप बताइए सर, आप भी खुश हैं? हाँ हाँ मैं भी खुश हूँ, आज एक्चुअली मैंने मोर देन 30-35 सूर्य नमस्कार किया। अरे वाह बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा मतलब थोड़ा ये करके सूर्य नमस्कार करके जैसे आपने ध्यान में जाने के लिए बोलता है,
उस टाइम थोड़ा नींद आ जाता है क्या, मतलब थोड़ा कंट्रोल भाग चले जाता है? कोई बात नहीं, सो जाना है, क्या बात हो गया? सो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे क्लास, तो सोना रोज रोज थोड़ी मिलेगा, अभी सो लेते हैं फिर अगली बार सुन लेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो नॉन स्टॉप हड़पते आने वाले हैं। तो लेकिन नींद की कमी होगी तभी ये होगा, तो नींद की कमी पूरी होने दो, नींद को नहीं रोकना है। समझ गया, ओके। हाँ आई कूलिंग के बाद तो मुंह को धोना है या क्या करना है? मंजन करना है, मंजन खुला मंजन करना है। मंजन मतलब क्लीनिंग, मसूड़ों की मसाज, गम मसाज करके विद द हेल्प ऑफ सम टूथ पाउडर। हाँ वो पेस्ट है डाबर का। हाँ हाँ क्या कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, यू आर वेलकम। हाँ जी जेसी, जेसी आइए। सर गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर द लवली सेशन। सर सेशन बहुत अच्छा था, एंड मेरा शुगर आज 147 था, कल से काफी थोड़ा कम हो गया, वेट भी 1 kg कम हो गया। आई डोंट थिंक आई एम डूइंग 100% सिंसियरली, क्योंकि बहुत बिजी रहती हूँ दिन भर। सर रात को नींद नहीं आती है मुझे, आई डोंट नो, काफी नींद के लिए स्ट्रगल करती हूँ। और ये बेड योगा जो आप बोलते हो, मैं उठने के बाद फिर आफ्टर हैविंग बाथ एंड ऑल बातें कर सकते हैं क्या मैट पे? दैट इज व्हाट वन क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क। एंड ये जो कुंजल है वो नहीं मैं समझ पाई सर, इफ यू कैन जस्ट मे बी आई मिस्ड इट और समथिंग, मैं नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ। एंड एक कायस्टर जब करते हैं ना, तब मैं थोड़ी रेस्टलेस होती हूँ, ऐसे बॉडी आई कैन नॉट कीप इट स्टिल, ऐसे बॉडी में थोड़ा मूवमेंट आता है। हाँ देखिए वो तो आते आते आ जाएगा, बेसिक चीज है कुंजल आपको करना सीखना है, कुंजल करोगे तो फ्रेशनेस होगी। और रात को सोते समय कायस्थल करेंगे, स्नान करके सो रहे हैं आप रात को? देखिए आपको नींद लाने की कोशिश नहीं करनी है, आपको कायस्थल में लेट जाना है, सारी रात कायस्थल करो ना प्रैक्टिस, जब आएगी तो आ जाएंगे, कायस्थल की प्रैक्टिस करेंगे रात को। हाँ ओके ठीक है, वही कर कोशिश करो। आप बता सकते हो कुंजल क्या होता है? कुंजल मतलब पानी पीकर वोमिट कर देना, वो सुबह उठने के बाद करना है क्या? उठने के बाद, यस यस ओके। प्लेन पानी सर? प्लेन पानी, प्लेन पानी ओके ठीक है। और बाकी ऊर्जा योग वाज वेरी नाइस, इनफैक्ट बॉडी बहुत ही स्टिफ हो गई थी, अभी थोड़ा मूवमेंट हो रहा है, तो आई थिंक विद टाइम इट विल बी बेटर इफ आई कंटिन्यू इट, but feeling much better sir, thank you so much sir. You are welcome, you are welcome. Archana ji, Archana Chawla. Haan ji namaskar sir. Namaskar. बहुत अच्छा रहा सेशन टू, स्पेशली कायर सर, तो मैं तो मतलब एक घंटा इतना पीसफुल हो गई कि सच बताऊं कि मेरा अभी भी बात करने को इतना मन नहीं है, पर इतना अंदर शांति मुझे महसूस हो रही है, वेरी नाइस। कुंजल जैसा मैंने सुबह भी बताया था, मैं पानी 7-7.5 glass पिया, पर वो मैं नहीं वोमिट कर पाई, पर अभी यूरिन वुरिन चली गई हूँ तो ठीक है, प्रैक्टिस करती हूँ। मुझे लग रहा है पानी और ज्यादा पिया नहीं जाएगा, लेकिन निकालूंगी कैसे? कोई बात नहीं, निकलने लगेगा, एक दो दिन और करेंगे, हो जाएगा। अच्छा एक स्पेशल चीज सर बड़ी जरूरी, मेरी एक मेड है जिसकी कमर और कमर से नीचे में बहुत दर्द रहता है, कल वो डॉक्टर के पास भी होकर आई और उसे सर्जरी और पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मैं मेड है तो इतने रिसोर्सेज नहीं है, बट मैं उसकी हेल्प करूंगी, तो कैसे हम उसको मतलब उसको भी इस प्रोग्राम से बेनिफिट हो सकता है, अगर किसी की कमर और नीचे टांगों में बहुत दर्द रहता है, थायराइड भी उसका बहुत ज्यादा है, 100 के आस कह रही थी, दवाई लिखी है। बिल्कुल हो सकता है, आप करा के देखो ना आप।
मैं तो ऐसी ऐसी बीमारियों में लाभ देखा है जिनके मैं नाम भी नहीं जानता हूँ। तो ज्यादा जानने की जरूरत नहीं बीमारी के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जानो, सॉल्यूशन पे फोकस करो। दिस इज द सॉल्यूशन सेट आवश्यक। सर एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो चारी मेड तो मेरे कहने पे करेगी, पर एक बार अगर आप 5 मिनट निकाल के उसके हस्बैंड और वाइफ को मतलब थोड़ा सा गाइड कर दें, जिससे मैं उन्हें इस कोर्स में ला सकूं, क्योंकि आपको पता है मेड है उसे अपने हस्बैंड की परमिशन से ही हर काम करने की इजाजत मिलेगी। तो आपसे जो आप जो बोलेंगे उससे उसके हस्बैंड पे बड़ा असर आएगा, और शायद उसकी वाइफ को हम 7 दिन के इस कोर्स में करवा पाएंगे जिससे उसकी तबीयत ठीक हो जाए। तो कोई टाइम आप दे पाएंगे मुझे सर? बात कर लीजिए, आज करा दीजिए बात। कितने बजे सर? अभी 9 बजे के बाद करा दीजिए, कभी भी 10 बजे। 11 आएगी, पर उसके हस्बैंड का होना जरूरी है, वो पूछ लूंगी मैं। हाँ 11-12 बैठने से फायदा नहीं होगा सर, वो कर नहीं पाएगी। हाँ हाँ कर लीजिए, 11-1 बजे के बाद कर लीजिए। ठीक है सर, मैं अरेंज करती हूँ कॉल फिर आपके नंबर पे। मेरे ख्याल आपका ही नंबर है या मेरे पास रुचि मेघा का नंबर है। हाँ ले लीजिए, इनसे ये नंबर दे देंगे मेरा आपको। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी संजना जैन, इन्होंने पहले भी नाम दिया था। संजना जैन आ जाइए। डॉक्टर संजना जी हाउ आर यू? या गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं डॉक्टर जी? या मैं ठीक हूँ सर, आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग द कोर्स फ्रॉम टुडे मोर। एंड मेरे लिए तो सबसे पहले बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था पूरे लाइफ स्टाइल में मेरे, क्योंकि मुझे इतने जल्दी उठने की कभी आदत नहीं थी। रात को देर तक काम करते थे लेकिन इतना जल्दी उठने की आदत नहीं थी, और फिर एक्सरसाइज वगैरह भी काफी टाइम से छूट गया था। तो पहले दिन थोड़ा तकलीफ हुई, थोड़ा एसिडिटी एंड थोड़ा हेडेक, एंड बट देन टुडे आई एम फीलिंग मच बेटर। एंड मैं और एक था, मैं चाय पिए बगैर जिंदगी में आज तक एक दिन भी नहीं रही थी। सुबह भी दिन शुरू करने के लिए चाय की बहुत जरूरत होती थी मुझे, लेकिन अभी फ्रॉम लास्ट 2 डेज आई हैव नॉट हैड टी, और आज मुझे वो इच्छा भी नहीं हो रही है। सो आई एम रियली एंजॉइंग इट। आई एम इन 2 डेज आई हैव लॉस्ट 1.5 kgs, एक्चुअली इट वॉज 82.5 kgs, टूडे आई सॉ इट वॉज 81 kgs। सो फॉर वेट लॉस के लिए भी मदद हो रही है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, टू फॉलो इट एज अ लॉन्ग टर्म एज अ लाइफ स्टाइल, यू नो। फूड क्रेविंग भी बिल्कुल भी नहीं है, एंड बहुत अच्छा लग रहा है। ऊर्जा योग बहुत अच्छा लगा। सूर्य नमस्कार मैंने कोशिश की, बट आई कुड डू ओनली 20, बट आई थिंक धीरे धीरे बढ़ जाएगा, स्टेमिना बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है सर। देखो आप अपने मरीजों को समझाते हो कि लाइफ स्टाइल को बदलो। नहीं वही हम लोग उनको बताते हैं लेकिन खुद नहीं कर पाते हैं, डॉक्टर लोग अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। नहीं बात ये नहीं है, बात ये नहीं है कि हमारे पास सिस्टम नहीं था, अभी ये सिस्टम है। किसी की लाइफ स्टाइल को भी हम बदल सकते हैं। तो आपके पेशेंट को भी आप कराइए, तो आपके बताने से नहीं होगा, लेकिन हम उसको एक सिस्टम में लाकर एक एनवायरमेंट देकर उसकी लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं। एफर्टलेस ये सिस्टम है। तो चाहे डॉक्टर हो चाहे मरीज हो, जब सिस्टम ही नहीं है हमारे पास एक चीज का, तो वो प्रवचन सुनने से नहीं होता, किसी को भाषण देने से नहीं होता, सिस्टम देना पड़ता है। तो आप अपने पेशेंट्स को भी जल्दी ठीक कर सकते हो ऐसे। चलिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हम तो यही चाह रहे हैं कुछ डॉक्टर्स के समझ में आ जाए ये बात, तो फिर ये बढ़िया हो सकता है काम। यस इट कैन रीच मोर पीपल, ज्यादा लोगों तक जा सकते हैं जिनको जरूरत है, ज्यादा लोगों तक जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। थैंक यू। हां जी संयोगिता जी, संयोगिता जी सर मुझे लॉग ऑफ करना होगा अभी। ठीक है आप कर दीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। संयोगिता जी हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी। कल का फास्टिंग अच्छा रहा, कल जूस फ्रूट्स और शाम को सलाद और थोड़ा मिलेट्स लिया था, तो काफी एनर्जेटिक लग रहा था डिनर के बाद। तो उसके बाद थोड़ा 45 मिनट्स वॉकिंग भी हो गया मेरा, और जैसे आपने पोजीशन बताया था सोने का, तो वो पोजीशन में तो अच्छी एकदम साउंड स्लीप हो गई। और सुबह आज मुझे पता नहीं था कि रोज करना है वाटर लेके वोमिटिंग कुंजल, तो आज मैंने नहीं किया, तो कल से मैं करूंगी। आई थॉट कि पूरा फास्टिंग करते हैं उसी दिन करने का है, तो रोज कर सकते हैं इसको मतलब ना? नहीं अभी 6 दिन के दौरान रोज कर सकते हो, फिर तो फास्टिंग वाले दिन ही करना है। अच्छा हाँ, तो आज नहीं हुआ। बेड योगा हो गया, फिर आपके साथ सूर्य नमस्कार 25 कर पाई मैं, पहले 12 करती थी, आज 25 हो गए, और काफी अच्छा लगा मंत्र के साथ करना।
उसके बाद योगा, ऊर्जा योगा वॉज वेरी पावरफुल. थोड़ा थकान महसूस हुआ ऊर्जा योगा में, पैर वगैरह थोड़ा दुख रहे थे, बट पॉसिबल है, कर सकते हैं रोज प्रैक्टिस करेंगे तो. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया. हाँ जी, थैंक यू सर, यू आर वेलकम. हाँ जी, किस अब आइए, अपने आप को कर लीजिए अनम्यूट जिन्होंने नाम डाले हैं अपने, बहुत शीघ्रता से. मैं अतिका गुप्ता हूँ. हाँ अतिका जी, आइए. मैं, मुझे कल रात भर नींद नहीं आई, तो मैं तो सोच रही थी कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी सुबह, बट करने के बाद काफी एनर्जी फील हो रही है. जस्ट ऊर्जा योगा में मुझे थोड़े से क्रैम्प्स आए थे तो पेट में, मैं थोड़ा बीच में रुक गई थी, बाकी अदरवाइज काफी एनर्जेटिक फील हो रहा है. बहुत बढ़िया. आप क्या करते हो अतिका? मैं आईटी कंसल्टेंट हूँ. और कहाँ से हो? मैं हैदराबाद से हूँ. ओके ओके, वेरी गुड. तो ये थोड़ा सा सब लोग बताएंगे अपना, तो बार बार सुनने से याद हो जाएगा, समझ में आएगा, तो इसलिए मैं कहता हूँ. और एक दूसरे लोग सभी जानेंगे आप लोगों को. हाँ जी, हाँ जी, हाँ. शारदा आप आ जाइए. नमस्कार, शारदा गुड़गांव से हूँ मैं. आज का ऊर्जा योग, ध्यान योग बहुत ही अच्छा लगा. जैसे ऊर्जा में भी उछल कूद जो है, हम मेरे बेटे के साथ तो करती थी पहले, और अभी साइंटिफिकली करेंगे. और ध्यान योग में भी जो स्पाइन के टेल बोन से लेकर ऊपर तक चढ़ाना और फिर नीचे उतारना, ये भी बहुत अच्छा लगा. इसको भी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू सो मच. यू आर वेलकम. हाँ जी, और श्वेता आपका हो गया, आप आ जाइए श्वेता. या मैं श्वेता हूँ मुंबई से. I think it's going very well. In the last two days, कम से कम 1.5 kgs कम हो गया है. And पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे कर पाएंगे, लेकिन no, especially the diet, लेकिन काफी आराम से हो गया. And ऐसे कोई भूख भी नहीं लगती है. इनफैक्ट मेरे घर वाले बोलते हैं ये खाओ वो खाओ, एंड आई एम लाइक नहीं मुझे नहीं चाहिए, आई एम फाइन. तो इट इज गोइंग वेल. एंड मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि नो ब्रीथिंग से भी मुझे एनर्जी मिल सकती है, एंड आई मतलब खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो वो काफी मेरे लिए रिविलेशन था. सो आई थिंक दैट वाज नाइस. एंड आज काफी अच्छा लगा मुझे ऊर्जा योग, एंड अभी फिलहाल काफी पीसफुल भी लग रहा है. बट जैसे कुछ लोगों ने कहा कि उनको दे वर डोजिंग ऑफ, तो मेरे साथ भी ऐसे हो रहा था. बट जैसे आपने कहा कि शायद नींद की ये हो सकती है कि नो नींद की कमी के वजह से, एंड मेरा ऐसे होता है कि मैं 9 बजे तो नहीं सो पा रही हूँ, क्योंकि मुझे घर की चीज़ें कंप्लीट करके फिर सोना पड़ता है, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है. तो आई ट्राई हाउ टू नो स्लीप सून सो दैट इट बिकम्स बेटर, बट ओवरऑल आई वुड से इट्स गोइंग ग्रेट. वेरी गुड, थैंक यू सर, यू आर वेलकम. हाँ जी, तो अमित, अमित जी आप आ जाइए. सर, आज का ऊर्जा योग तो बहुत बढ़िया था सर, बहुत मजा आया. अभी मैंने और मेरे वाइफ ने ऑलमोस्ट 1.5 किलो लूज किया है. हमारी बेटी भी है अभी जो हमारे साथ बैठी है, जो कोशिश करेगी कि ये करना तो अभी है सर. उसके अलावा सर हम बहुत सारा डिफरेंस है, एंड वी आर फीलिंग वेरी लाइट. सुबह जो उठ के जो एक्सरसाइज करते हैं उसका बहुत फायदा है इसका. एंड आज मैंने 11 सूर्य नमस्कार किए, कल 6 ही किए थे. मेरे वाइफ ने कल, हम लोग ने 8 किए थे, तो आज उसने 20 किया है. तो बहुत डिफरेंस है सर, बॉडी में बहुत डिफरेंस लग रहा है, एंड फीलिंग लाइट स्लोली स्लोली. ये लाइफ स्टाइल अगर सेट हो जाएगी तो बहुत सारी चेंजेस, जैसे आपने बोला है सर, बहुत सारा चेंजेस हो सकता है. मेरा लेफ्ट शोल्डर में तकलीफ था, तो अभी वो बहुत मतलब डिफरेंस लग रहा है मुझे सर. मुझे सर सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, जो आपने वाटर डाइट बोला है उसके बदले में लिक्विड डाइट हो सकता है क्या सर? मतलब फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ जो बोल रही है वाटर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो जूस डाइट हो सकता है क्या सर? वो
नहीं, वाटर डाइट तो सिर्फ एक बार करना है ना सप्ताह में 24 घंटे का, वो एक बार करना है। उसके बदले में वो पूछ रही है कि इफ वी कैन हैव जूस, कि वाटर ही चाहिए। नहीं, वाटर का ज्यादा इम्पैक्ट होगा ना, हम प्रकृति प्रकृति से कनेक्ट कैसे करेंगे जब तक हम, भरोसा कैसे आएगा हमें कि प्रकृति भी पोषण कर सकती है हमारा। ओके सर, ओके। हाँ जी, और इनसे बोले जैसी आप बताइए। ठीक है, तो पत्नी पत्नी जी कुछ बोलेंगी? जी बोले। नहीं सर, प्रोग्राम इज वेरी नाइस एज कंपेयर टू द फर्स्ट डे। आज तीसरा दिन काफी हल्का लग रहा है ऑन द थर्ड डे, और डाइट जितना मुश्किल सोचा था होगा उतना नहीं है, कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक। मेरी वाइफ तो फूडी है सर। यस, आई एम अ बिग फूडी। कोई बात नहीं, आप तो छह दिन में, आप कहोगे नहीं छह दिन के बाद फूडी हूं मैं, स्वभाव बदल जाएगा छह दिन के अंदर। तो अमृत अभिजात, अमृत अभिजात जी आप बताइए। हाँ जी सर। जी अच्छा चल रहा है, आशीर्वाद से आपका। ऊर्जा योग का अगर वीडियो मिल जाएगा तो एक बार दोबारा प्रैक्टिस करना चाहूंगा। मिल जाएगा, ग्रुप में ले लीजिए। ना, क्रयोत्सक बहुत एंजॉय कर रहे हैं और अभी आनंद की अनुभूति है। ओके ओके, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो कौन रह गए हैं? आइए, देवधर नागपाल जी हैं, उनसे भी जानते हैं। हाँ जी, देवधर नागपाल जी, नमस्ते सर। नमस्कार सर, मैंने डॉक्टर साहब का कोर्स पहली बार मई 2020 में किया था, और बाद में लगातार 10 कोर्स किए थे, 10 कोर्सेस कंटिन्यूअस 10 आई डिड, और बस इतने में ही डॉक्टर साहब से फ्रेंडशिप हो गई। मैं डॉक्टर साहब से अभी तक कंटिन्यूअसली एसोसिएटेड हूँ, और मैंने पूरी चेकलिस्ट बना रखी है, जो चेकलिस्ट हम इस प्रोग्राम में 18 या 20 पॉइंट की है, मैंने उसे 35 पॉइंट्स करके मैं सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसमें 6 प्रिंसिपल्स से रिलेटेड सारे प्रिंसिपल्स हैं, उसके अलावा जितनी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें वो मैंने लिख रखी है, वो मैं उस चेकलिस्ट को फॉलो करता हूँ। आपको आपको बेनिफिट्स क्या हुए हैं प्रोग्राम से? बेनिफिट यही हुआ कि मेरा वेट जो 70 था वो 65 हो गया, मेरी ये फूड की क्रेविंग थी वो 50% हो गई है, और आज भी वही है, और मेरी जो एक्टिवनेस है वो भी मल्टीप्लाई हो गई है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी जो है स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करूँ, रेगुलरली इसको फॉलो करूँ, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेटर हो। थैंक यू। हाँ जी, और कौन रह गए? सबका हो गया क्या? किसी का कोई प्रश्न हो और जिसकी शेयरिंग नहीं हुई वो कृपया अनम्यूट करके आ जाएं, अपनी शेयरिंग कर लें। नमस्ते सर, सागरिका। सागरिका बताइए जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लास्ट टू डेज, एक्चुअली लास्ट कुछ दिनों से मैं सो नहीं पा रही थी, रात को लाइक 12:30 1 ऐसे हो जाता था,
I was thinking first day ki how I'll get sleep. Like first day mein aapka wo breathing exercise karke I could sleep. But again I was disturbed in the middle of the night. But yesterday before 9 o'clock by 8:30 I was like you know you finish everything I have to sleep. Like and so that way my daughter also has changed her ways of like you know watching TV or whatever she's also shutting it down before time so that we are going to sleep. And also morning I was thinking it would be difficult for me to wake up, but surprisingly I'm waking up at 4:30 and feeling very fresh, taking a cold water shower also, and looking forward to the bed ritual in the evening. And morning it's really beautiful. But while doing Surya Namaskar, while raising my hand, my right leg thoda sa dard hota hai. There is a kind of pull jaisa lagta hai. I don't know why. Pehle se bhi maine notice kiya hai. That is why I was doing little less number of Surya Namaskar. Because my right leg bahut painful ho jata hai when I raise my hands towards the end. तो वो उसका मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्यों ये हो रहा है. एंड सेकेंडली कल से मुझे थोड़ा सा रनी नोज और कफ ड्राई कफ हो रहा है. तो देखिए अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, बहुत सावधानी की जरूरत है. जैसे अभी आप घर में भी आपके हस्बैंड को है ना कोरोना? हाँ मैं भी हो कि अभी जस्ट नेगेटिव हुई हूँ 14 दिन के बाद. बट या आई स्टॉप्ड ऑल द मेडिसिंस नाउ. कल मुझे जस्ट ऐसे में एस्थमेटिक हूँ थोड़ा सा, मैं लाइक लिटिल सेंसिटिव टू कोल्ड एंड ऑल. तो मे बी मुझे ये लग रहा है कि कल बहुत ह्यूमिडिटी था बिकॉज आई वेंट अराउंड बॉट लॉट्स ऑफ मेडिसिन एंड ऑल दैट. तो आई वॉज एंड ऑन द मास्क वॉज ऑन ऑल द टाइम. सो वो मुझे लग रहा है हो सकता है, बट देन माई कफ इज लिटिल डिस्टर्बिंग. देखिए दिक्कत क्या होती है, जब आप मेडिसिन से कोई भी चीजों को उपचार करते हो तो उसमें दो आपको समझना चाहिए और आपके हस्बैंड के बारे में भी आपको निर्णय लेना चाहिए सोच विचार करके. और आप एक समझदार हो और बहुत अच्छे एक पद पे आप काम कर रहे हो, आप भी आपके हस्बैंड भी. तो एक चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, जब आप मेडिसिन से किसी भी चीज को ट्रीट करते हो जी. क्या करते हो, एक तो मेडिसिन के साथ भोजन करना जरूरी हो जाता है जी सर. यस और नो? Yes. तो एक तो मेडिसिन से शरीर को जूझना पड़ता है और भोजन से जूझना पड़ता है, जबकि उसको सारी ऊर्जा चाहिए रोग को ठीक करने में. आप विचार करके देखो, आप हस्बैंड तो वो लाइक वो ही इज एग्रीइंग, ही नोज दिस वेज आल्सो, ही अंडरस्टैंड्स दिस. बट मेरे लिए क्या बोलेंगे सर कि मैं should I go without any food today? Yes. देखो अभी आपकी बॉडी में कुछ हो रहा है. अब जितनी जल्दी आप बॉडी को मौका दे दोगे उतनी जल्दी बॉडी ठीक कर देगी. आप करके देखो, ट्राई करके देखो. आप को 7 दिन हो गए ना, अब तक तो ठीक हो जाते. सही तरीका अपनाते तो अब तक वो बिल्कुल स्वस्थ होते. तो जब हम भोजन करते हैं एक तो रेस्टलेस हो जाते हैं, फिर शरीर से आराम नहीं कर सकते हैं, फिर तो क्वारंटाइन में भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे जी. हम करते हैं कुछ ना कुछ क्योंकि भोजन आया और कर दिया. तो हमें जो बॉडी को रेस्ट चाहिए था, जो बॉडी को टाइम चाहिए था, जो बॉडी को एनर्जी चाहिए था, सबसे हमने वंचित कर दिया. तो आपने अपने आप को नेगेटिव तो कर लिया, स्वस्थ तो नहीं कर पाए आप. नहीं तो अगर कोरोना का सही ढंग से आप मैनेजमेंट हो जाए तो आपका स्वास्थ्य पहले से 100% बेटर हो जाएगा. ये मैं कमिट करता हूं आपके साथ. आप करके देख लो, आप मुझे दो कोई भी कोरोना का हिसाब और मैं उसको ऐसे आप पुरानी पहले से स्वास्थ्य और बढ़िया हो जाएगा आपका. आपके अंदर अगर कोई भी बीमारी के चीज पनप रही होंगी वो भी ठीक हो जाएंगी. तो कोरोना आपके लिए लाभप्रद है, नुकसानप्रद नहीं है. लेकिन हमें बॉडी को समझना तो आए ना. हमें अब सारी दुनिया की नॉलेज है हमें, लेकिन अपने बॉडी की नॉलेज नहीं है कि बॉडी कैसे काम करती है और बॉडी में कितनी क्षमता है हमारी, क्योंकि उसको मौका ही नहीं देते कभी हम.
तो सागरिका आप इसको करके देखो, आज आप एक दिन ही प्रयोग करके देखो, आप कल बता देना, आप कल सुबह बात करोगे तो आप जी आज कैसा रहना चाहिए, आज पूरा कंप्लीटली ऑन वाटर बेस और जूस, वेजिटेबल जूस, फिर जूस आ गया, जूस कहां से आ गया बीच में जी, आपको कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए ना, भले इससे बाहर क्यों ना निकलते आप भाई, अगर आप जूस दोगे तो फिर ये काम 50% होगा, फिर एक दिन की जगह 6 दिन लगेंगे, आपकी इच्छा है वाट जूस पीजे खो दबा के, अपने साथ रहना, अपने आप को एंजॉय करना, काय का अभ्यास करते रहना, दिन भर में बैठ कर लेट कर जैसे भी आपका शरीर कहे आपको वो करना, तब आप देखो रिजल्ट कि कैसे बॉडी हील करती है आपको, ठीक है ना, अब ट्राई देखो, आज करूंगी डेफिनेटली, देखो आप करोगी ना देखो, इसलिए आपसे मैसेज बहुत दूर तक जाएगा जी, आपकी बात पकड़ में आ गई तो देखो आप इतने अच्छे पद पे हो, ऊंचे पद पे हो, हमारी तो बात कोई सुनता नहीं है, ठीक है ना, हो सकता है आपकी बात सुने, इस समय देखो बहुत बुरा हाल है, और कितना आसान है इससे निकलना, कितना आसान है मैं कह नहीं सकता, आपका आज आपको फीवर आया है, आज आपका गला खराब हुआ है, आज आपको जुकाम हुआ है, यही लक्षण है ना कोरोना के, ये आपको सूंघने की शक्ति कम हो गई है, ये है ना, या कुछ और है, आप तो देख रहे होंगे घर में, या तो फीवर होता है, या वायरल फीवर होता है, या नजला होता है, जुकाम होता है, गला खराब होता है, बदन में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, यही लक्षण है, या सूंघने की शक्ति चली गई, आज इसी समय आप इसको उपचार करना शुरू करिए, और 15 दिन तो मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा है, 6 दिन में व्यक्ति ठीक होता है, विद इन 6 डेज, और घर पर रहकर, देखिए जिनका हो गया वो जा सकते हैं, जिनका कोई प्रश्न है तो वो रुक सकते हैं, हो गया हमारा सेशन पूरा, हाँ जी आई वॉन्ट टू आस्क यू कि कायस्थ में मैंने बहुत कोशिश की, मैं 3 दिन से बीच में प्रैक्टिस भी करने की कोशिश कर रही हूँ, वो आपका छोटा वीडियो ऑडियो लगा के, पर मैं आई एम नॉट गोइंग इन टू इमेजिनेशन, मेरा माइंडफुलनेस वैसे ही रहता है, आई एम फुल्ली अवेयर, ठीक है, देखिए ठीक है, जैसे भी हो रहा है ना, धीरे धीरे होने लगेगा, धीरे धीरे सब होने लगेगा, ज्यादा इमेजिनेशन में नहीं जाना है, वो माइंडफुलनेस जब भी जाता है तभी मैं डोज ऑफ होती हूँ, कोई बात अभी अभी नींद की क्वालिटी जैसे अच्छी होगी ना आपको तो ठीक होने लगेगा, थोड़ी देर बाद लगता है कि आई एम डोजिंग ऑफ, हाँ हाँ देखिए अभी अभी नींद की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, भले 6-8 घंटे सो रहे हो हम, तो नींद की क्वालिटी को बढ़िया करना है, हाँ चलिए थैंक यू वेरी मच, और किसी को कुछ कहना है, किसी का कोई और प्रश्न है Sir, this is Hema. Hema. Is it the water fasting for? Can anyone take it up, or only you suggest for some people? देखो कोई भी कर सकता है, लेकिन सीख कर इसको करना होता है. कैसे करना है इसको? कैसे observe करना है? दिक्कतें आती हैं water fasting में. इसलिए handholding जरूरी है. अगर आपने किसी से सीखा नहीं है, तो आपको कोई परेशानी आ जाएगी, तो आप घबरा जाओगे. कैसे उसको handle करना है? तो इसलिए मैं कहता हूं कि किसी को भी अगर कोई एक्यूट प्रॉब्लम है, तो ये अभी हमने शुरू किया है कि कोविड वालों को भी हमने मतलब कंसल्टेशन शुरू की है, ठीक है ना, और जो किसी को और प्रॉब्लम है, मतलब और किसी का भी कोई वायरल फीवर है, उल्टी दस्त है, सिर में दर्द है, माइग्रेन है, किसी को भी अगर इस तरह की अचानक प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो चाहते हैं तो हम उनको 1-on-1 भी हेल्प हमने शुरू की कर दी है, तो उसके लिए आप अलग से एनरोलमेंट वो करा सकते हैं, परिवार में कोई सदस्य हो, आपको कोई दिक्कत हो कभी भी. ओके हाँ सर, एक पूछना था आपसे, मैं संयोगिता. सर ये कोविड का वैक्सीन का बारे में क्या है आपका सजेशन, मतलब वैक्सीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? देखो मैं तो लेने वाला नहीं हूँ, बाकी तो सबको अपना निर्णय अपने आप करना है, ठीक है ना, क्योंकि जब तक हम सच्चाई को समझेंगे नहीं, तब तक तो डर रहेगा मन में, नहीं लेंगे वैक्सीनेशन तो पहले समझो सच्चाई को कि शरीर कैसे काम करता है. हमें तो कोई घबराहट नहीं है ना कोरोना के, हम तो कह रहे हैं वो तो अच्छे के लिए आएगा, जब भी आएगा, तो सोच में ही फर्क है ना.
हम उसको मारने की हम हमारे मन में ख्याल ही नहीं आता, या उसको रोकने का ख्याल ही नहीं आता हमारे मन में, ठीक है ना। तो नियम क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर हम फिट होंगे तो सर्वाइव करेंगे, नहीं तो कोरोना नहीं आएगा, कोई और आ जाएगा। हैं, अगर आज आप देखिए जितने इस समय कोरोना से मरने वालों की संख्या कम है, कार्डियक अरेस्ट ज्यादा है मरने वालों की संख्या। और कार्डियक अरेस्ट का क्या वैक्सीनेशन बनाओगे आप बताओ? कोरोना से नहीं मरोगे तो कार्डियक अरेस्ट से मर जाओगे। नहीं, बात समझा? तो जिसको मरना है वो तो मरेगा ही, जब जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो इस बात पे अभी ध्यान नहीं है हमारा, लेकिन हम फिट भी नहीं बनाए अपने आप को और वैक्सीनेशन भी नहीं लगाए, तो ये तो खतरा हो गया। तो फिट बनाने के लिए फिट तो बनाए ना अपने आप को। आपका सब ये फॉलो करेंगे, सब मेडिटेशन, ऊर्जा योग, सूर्य नमस्कार, तो मतलब गारंटी है कि अपना इम्यूनिटी बढ़ेगा, तो जरूरत नहीं है, इट्स लाइक अ वैक्सीनेशन ओनली। यस, बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। ठीक है सर, थैंक यू। यू वेलकम। हाँ जी, लक्ष्मी राव और कनिका जी, कनिका आप भी शेयरिंग करोगे अपनी, कोई प्रश्न हो किसी का, खत्म करें सेशन को। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सर मेरा मोबाइल डेड हो गया था, लैपटॉप यूज कर रही हूँ, इसमें कैमरा नहीं है, सॉरी। हाँ जी बताइए। तो बहुत अच्छा लग रहा है और काफी सारे चेंजेस आए हैं बॉडी में, फ्लेक्सिबिलिटी आई है, कैंसर रिवर्स हुआ है, सर के साथ जुड़ के मॉर्निंग ही सर के साथ शुरू होती है, तो फुल डे बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ। अपना परिचय दो कनिका। हाँ, मेरा नाम कनिका है, मैं बॉम्बे से हूँ, मैं काउंसलर टैरो रीडर हूँ, पास्ट 18 इयर्स मैंने कॉर्पोरेट जॉब किया है रिलायंस में, दूसरी इंटरनेशनल कंपनी में एज एचआर, एंड लास्ट 2 इयर्स से फ्रीलांसिंग कर रही हूँ काउंसलिंग एंड टैरो रीडिंग। तो सर के साथ जुड़ी थी मैं लास्ट अप्रैल में, 1 वीक का कोर्स किया था, उसके बाद फिर वापस सेम रूटीन पे आ गई थी, वेट लॉस वगैरह सब हुआ था 6 डेज में, फ्लेक्सिबिलिटी भी आई थी, बट बाद में बिल्कुल सब छूट गया वापस। तो मेरे गले में जो गांठ थी वो बढ़ बढ़ के फिर वो कैंसर का रूप ले लिया, और मैंने एक्चुअली तो ऑपरेशन के बाद ही डिटेक्ट हुआ कि दैट वॉज कैंसरस, इट वॉज अ गॉइटर ऑफ 3 सेंटीमीटर। Earlier, जब जनवरी 2020 में डिटेक्ट हुआ था तो इट वॉज 2 सेंटीमीटर, तो डॉक्टर्स ने कहा था वेट करना पड़ेगा, तो मेरी सर से बात की हुई थी इस बारे में, तो सर बोल रहे थे मैं गाइड करता था, मैंने तो जस्ट वैसे ही ज्वाइन किया था, बट सर से इतना डिटेल में बात नहीं हुई थी, तो फिर वो बढ़ते बढ़ते इस जनवरी में 3 सेंटीमीटर का हो गया, और अभी फेब 11 में ऑपरेशन हुआ था, तो मार्च में उसकी रिपोर्ट आई कि दैट वाज कैंसरस, तो फिर मैं तो बहुत ही मतलब जैसे डिप्रेशन में चली गई, तो फिर मैंने वापस से सर की हैंड होल्डिंग ली अभी 1 ईयर की, तो मैं अब वही चाहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स के तो मुझे फोन आते हैं कि आप कंप्लीट सर्जरी कराओ, क्योंकि हाफ थायराइड निकाल दिया उन्होंने राइट साइड का, अब मेरे लेफ्ट थायराइड के पीछे पड़े, कंप्लीशन कराओ नहीं तो वो बढ़ जाएगा, तो मैंने और भी काफी डॉक्टर से कंसल्ट किया है नानावटी वगैरह के, तो उन्होंने तो बोला है कि कोई जरूरत नहीं है, आप खाली अपना चेकअप कराते रहना 3-3 महीने बाद, बाकी आपको कोई जरूरत नहीं कंप्लीट सर्जरी की, तो वही अभी सर का हैंड होल्डिंग है, तो डाइट एक्सरसाइज वगैरह से आई होप कि कंप्लीशन की जरूरत ही ना पड़े। थैंक यू सर। एनर्जी लेवल कितना बढ़ा आपका, ये बताइए एनर्जी लेवल कितना बढ़ा आपका? एनर्जी लेवल तो मेरा 10x हो गया है, पहले तो मैं इतना सुस्त थी ना, मैं वही बता रही हूँ कि मेरे को 10 मिनट भी वॉकिंग करने में बहुत सुस्त, मतलब बहुत बोर होता था और सुस्त फील होती, अभी तो मैं 1-1.5 घंटा चल लेती हूँ, वापिस ही आने को मन नहीं करता, इतना मैं नेचर के साथ कनेक्टेड रहती हूँ, घास पे चलती हूँ, मिट्टी पे चलती हूँ, नंगे पैर चलती हूँ, मैं शूज वगैरह सब है बट मैं नहीं पहनती हूँ, उसको साइड में उतार के, और मुझे देख के सब इंस्पायर होते हैं, बोलते अरे वाह अच्छा है आप तो ऐसे आ जाते हो। एक्यूप्रेशर की चप्पल ले ली थी मैंने, वो मेरे को पहले दिन जब मैंने खरीदी तो मुझे इतनी पॉइंटेड लगती थी कि मैं पहन नहीं पा रही थी उसको, और दूसरे तीसरे दिन से ही एकदम नॉर्मल हो गया, मतलब जब से ये सब फॉलो करना शुरू किया तो आई कैन इजीली वेयर दैट एक्यूप्रेशर चप्पल।
दैट लाइक इमीडिएटली चेंज पता चलता है कि डाइट रॉ फूड एंड कुक्ड फूड में तो बहुत एनर्जी जैसे ये हो जाती है, डाउन हो जाती है. एंड रॉ फूड खाने से और एक तो टेस्टी रहता है, नेचुरल टेस्ट मिलता है. कितनी सारी चीजें अभी ट्राई की है. अभी मैंने कल परसों मैंने 3 तरह के दूध बनाए फर्स्ट टाइम, मतलब ऐसे एक ही साथ, आलमंड मिल्क, पीनट मिल्क एंड कोकोनट मिल्क. और बच्चों को मैंगो शेक पिलाया, छाछ पिलाई, दही खिलाया, उनको पता ही नहीं चला. बहुत बढ़िया कनिका, थैंक यू वेरी मच. और लक्ष्मी आप कुछ कहना चाहोगे और या किसी का कोई और प्रश्न नहीं है तो सेशन को हम समाप्त कर रहे हैं. थैंक यू. हाँ लक्ष्मी जी आप क्लोजिंग कर दीजिए, आपकी बातों से क्लोजिंग हो जाए. आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट करिए अपने आप को. हाय एवरीबॉडी, आई एम लक्ष्मी फ्रॉम विजयवाड़ा एंड लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम बिकॉज़ आई हैव जस्ट बीन आउट ऑफ कोरोना, दैट इज आई हैव जस्ट बीन नेगेटिव लाइक यस्टरडे. So it's been an amazing journey because like I was looking at it as a counselor or you know as an whole way program for others to counsel, but I realized the immense importance it has given me because I have suddenly become so much more energetic. And as sir said, you know, corona can be a blessing. So a lot of food addictions that I had, although I was with sir for a long time, it was difficult for me to get out of it. It's like with sir I would practice it and then without him I would go back to my old habits. So suddenly with corona it didn't become it wasn't something I was doing because sir had asked me or you know I was trying to do something and then the life was getting over. Suddenly it became about me and the whole thing about Kayotsarg or Urd Yoga or you know food meditation or giving up on milk and coffee became so much more easier. And getting back to natural food was so much more energetic and helped me recover so much more faster. So it's an amazing discovery when I had corona. So I, as sir said rightly, it's a blessing if you take it that way. So it's an amazing experience. And when you have somebody who can monitor you and help you, it gives you more strength to carry forward. So anybody who's feeling a little weak, and even all, so if it can happen to corona, it could happen to any of your lifestyle diseases. So when this whole program is amazing, for you all to, you know, kind of get everything together in one go. You don't have to go to a psychiatrist, or you don't have to go through a nutritionist, or you don't have to go to an exercise specialist. You can actually do all of this and inculcate it in your life to make your life, your family's life so much more better. So that's an amazing experience. And every time, every week when I enter back, it hits me hard and it hits me beautifully. So I just wanted to share with all of you. Thank you. Thank you, sir. Lakshmi ji, how long have you been associated? I've been with sir for the past 3 months and he's given me an amazing space to be myself. So he doesn't only tell you something, he practices what he preaches. Yeah. So that's amazing. You are-